देखिए दोस्तों कितनी स्वादिष्ट लग रही है कुल्फी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आपको ले आने वाले हैं, कहाँ ले जाने वाले हैं, तुलाराम की स्वादिष्ट कुल्फी खिलाने। दोस्तों तुलाराम की कुल्फी बरेली में बहुत फेमस है, वहीं ले चलते हैं आपको आज। और जो बरेली में है उनको तो पता ही है, जो बरेली से बाहर है उनको नहीं पता होगी। तो हम चलते हैं आपको दिखाते हैं वहाँ पे तुलाराम की कुल्फी कितने की है और कैसा उसका टेस्ट है ना कार्तिक। हाँ। और दोस्तों और भी कुछ हमें दिखेगा बरेली की सड़कों पे जो अच्छा होगा, जहाँ पे जाया जा सकता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं तुलाराम की कुल्फी की तरफ और आपसे वहीं मिलते हैं। चलो तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं तुलाराम की मशहूर कुल्फी पे। उनकी कुल्फी बहुत स्वादिष्ट होती है ना कार्तिक। हाँ। तो दोस्तों चलते हैं तुलाराम की कुल्फी खाने। चलो कार्तिक वो ये देखिए दोस्तों, ये है तुलाराम की डिलीशियस कुल्फी, ये यहाँ पे लिखा है, ये देखिए तुलाराम डिलीशियस कुल्फी। और यहाँ हम आए हैं आपको लेके, और ये भी है इनका बना हुआ, ये देखिए ऊपर लिखा है तुलाराम कन्फेक्शनरी एंड डिलीशियस कुल्फी। कितने की है ये कुल्फी? 70 रुपए का हाफ। अच्छा वो डाल के मत देना, वो सेमई डाल के जो देते हो ठीक है। प्लेन दे दो, खाना है एक दे दीजिए। दोस्तों जो यहाँ पे तुलाराम की कुल्फी है बहुत फेमस है, अरंगल जी बहुत फेमस है और बहुत पुरानी दुकान है। ये मत डालो, हाँ ये मत डालो। देखिए दोस्तों कितनी स्वादिष्ट लग रही है कुल्फी। लो पकड़ लो, टेस्ट करके देखो। अच्छा ये भारी लगता शुरू से, अंदर भी खिलाते हैं भारी लगता है ना। कैसी है, टेस्टी है, है कार्तिक? कार्तिक कैसी लग रही है? खाओ। अभी चलते हैं दोस्तों और भी कुछ दिखाएंगे आपको। ये तो होगी तुलाराम की कुल्फी, और अभी चलते हैं आगे, और भी जो स्ट्रीट फूड है बरेली के वो भी दिखाएंगे। खा लो फिर चलते हैं उधर। बहुत टेस्टी थी दोस्तों तुलाराम की कुल्फी, है ना संभव? हाँ बहुत अच्छी थी। और आप भी दोस्तों यहाँ पे आइए टेस्ट करिए, और बरेली से अगर बाहर रहते हैं तो कभी बरेली में आए तो यहाँ जरूर आए तुलाराम की कुल्फी टेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कहीं और, देखते हैं कुछ और मिल जाएगा हमें तो दिखाएंगे आपको। चलो चले दोस्तों, अब हम यहाँ आ चुके हैं द गार्डन कैफे में। और दोस्तों ये रामपुर गार्डन में बना हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये है द गार्डन कैफे, और ये कंपनी गार्डन में बना हुआ है, अभी नया बना है ये। तो आज यहाँ का टेस्ट करने आए दोस्तों हम, फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है यहाँ का और क्या क्या मिलता है। वैसे तो यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ ये सब लिखा हुआ है, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक कोल्हड़ लस्सी मट्ठा आइसक्रीम समोसे छोले पूड़ी छोले भटूरे छोले चावल पाव भाजी मोमोज स्प्रिंग रोल। और ये लिखा है हमारे यहाँ परहेज का खाना, ये क्या लिखा है, ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। परहेज का खाना भी मिलता है दोस्तों, अगर आपका व्रत व्रत है तब भी आप यहाँ पे खा सकते हैं आके द गार्डन कैफे में। चलें कार्तिक अंदर चले। हाँ। चलिए दोस्तों अब अंदर ले चलते हैं। चलो संभव अंदर चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ आ गए हम अंदर, और ये बना हुआ है देखिए, एसी उसी सब लगा है। अच्छा बना हुआ है। हाँ। ये मेन्यू है दिखाओ जरा, द गार्डन कैफे का मेन्यू क्या क्या है मेन्यू में, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें भी अभी हॉट कॉफी फास्ट फूड वेज मोमोज और स्प्रिंग रोल ये सब लिखा है इसमें। चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या करें ऑर्डर कार्तिक संभव बताओ, दिखाओ। ये आइसक्रीम है, ये मोमोज है वेज मोमोज,
मोमोस खाओगे ना? ठीक है, चलिए दोस्तों वेज मोमोस मंगाते हैं हम। कार्तिक अच्छा बना है ना यहाँ पे? हाँ दोस्तों, छोटा सा बना है लेकिन बढ़िया है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हाँ हाँ, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी कर रखी है, 8 लोगों की बैठने की जगह है यहाँ पे। हाँ पार्टी कर सकते हैं यहाँ पे, आराम से बर्थडे पार्टी भी कर सकते हैं ना। ये टेबल रखी है यहाँ पे, केक रखो और काटो आराम से। तुलाराम की कुल्फी कैसी लगी? अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने स्प्रिंग रोल मंगाए हैं, अभी आ रहे हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ के स्प्रिंग रोल कैसे हैं, है ना? नई जगह है, हम उधर से आ रहे थे तुलाराम की कुल्फी की तरफ से, इधर रामपुर गार्डन की तरफ से, तो ये हमें देखा, हमने कहा चलो इसकी बनाते हैं, नया खुला है, आपको भी पता चले इसके बारे में। दोस्तों हमारे स्प्रिंग रोल आ चुके हैं और ये है हमारे स्प्रिंग रोल, ये देखिए, आप भी खाइए दोस्तों और हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ के कैसे हैं स्प्रिंग रोल। ये देखिए दोस्तों, ये है स्प्रिंग रोल, खाओ कार्तिक, टेस्ट करो, देखो कैसे हैं, वो मत डालो, खाओ खाओ संभव। गर्म है तो अभी ठंडा कर लो, ठंडा हो जाएगा। खाना है उसे खाओ म्यूनिस से, तो अच्छा लगेंगे, अच्छा लग रहा है म्यूनिस से ना। चलिए दोस्तों मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ यहाँ के स्प्रिंग रोल। बहुत टेस्टी है दोस्तों यहाँ के स्प्रिंग रोल, और वो कहते हैं कि छोटी जो जगह होती है वहाँ पे असली खाना मिलता है, तो ये बात सच है, ये है छोटा सा रेस्टोरेंट मगर टेस्टी है बहुत यहाँ का स्प्रिंग रोल, है ना? क्या हुआ खाओ? मजा आ रहा है कार्तिक? स्प्रिंग रोल्स म्यूनिस से खाओ, म्यूनिस से टेस्टी लग रहे हैं। कार्तिक तुम कुछ कहना चाहोगे? कहो, कह दो इसके बारे में, कह दो कैसा टेस्ट लगा तुम्हें? मजा आ गया, ठीक है। खाओ फिर, मजा आ गया तो। खा लिया? चले अब, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे खा लिया हमने द गार्डन कैफे में और बहुत टेस्टी था, क्यों टेस्टी था ना खाना कर दे। और दोस्तों आप यहाँ पे आइए, रामपुर गार्डन में बना हुआ है ये, है ना? चलो चलते हैं। ये था दोस्तों द गार्डन कैफे, अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ, ये बना हुआ है पूरा यहाँ से वहां तक। दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और कार्तिक कुल्फी कैसी लगी? बहुत टेस्टी थी। और दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय भारत, जै भारत।